आप सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये लौकी की मसाला सूखी सब्जी, और वो भी गांव के तरीके से, चूल्हे के ऊपर, मेरी दादी के तरीके से। मेरी दादी बहुत बनाती थी ये सब्जी चलते फिरते, तो मेरी सब्जी का कलर देख के आपको पता तो चल ही रहा होगा ये सब्जी खाने में कितनी टेस्टी होगी, और सबके मुंह में आ गया होगा पानी। ये सबको पसंद आने वाली है, घर में बच्चे बूढ़े सभी को, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक बार बनाओगे तो बार बार यही सब्जी आपका बनाने का मन करेगा, और बनेगी भी बार बार आपके घर में ये सब्जी, क्योंकि ये खाने में टेस्टी इतनी जो लगती है और कम मेहनत में ही बन जाती है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये एक लौकी और एक टमाटर लिया। पहले हम इनको छील लेंगे, इस टमाटर को भी छील लेंगे, ताकि ये छिलका हमारी सब्जी में इधर उधर ना घूमे। और ये गोल वाली लौकी लिया है मैंने, इसकी सब्जी ना बहुत टेस्टी बनती है, तो अगर कभी ये सब्जी बनाओ तो गोल वाली लौकी लेके बनाना, बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी इसकी। और ये एकदम कच्ची है, देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट है। इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, और इसी तरह से टमाटर को भी कट कर लेंगे। और इनको काटने के बाद चलो पहुंच जाते हैं चूल्हे के पास, और चूल्हे में जला लिया हमने आग, और इस पे रख देते हैं कढ़ाई। और ये बनाएंगे हम देसी घी में, तो इसमें डाले एक चम्मच घी, अभी ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, सिर्फ एक चम्मच घी, ताकि हमारी सब्जी थोड़ी चिकनी रहे और जल्दी से सॉफ्ट हो जाए ये। इसमें मैंने डाल दिया लौकी और ये टमाटर, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि घी सभी पे थोड़ा लग जाए। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक डालने के बाद फिर से एक बार थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे, और इसको ढक देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। अब एक बार बीच में इसको उगाड़ के फिर से इसको एक बार चला देंगे, और अब इसको ढक के छोड़ दिया। और इधर कर लेंगे हम मसाला तैयार। इधर मैंने लिया है लहसुन और मिर्च, ये लाल मिर्च मैंने पानी में भिगो के रख दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए, पीसने में आसानी से पीसें। और ये धनिया, इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। इसमें थोड़ा नमक डाल लेंगे ताकि ये मसाले हमारे अच्छे से पीस जाएं। नमक डालने से मसाले पीस जाते हैं अच्छे से। तो ये देख हमारे मसाले पीस गए। हम इसमें कोई और मसाला ऐड नहीं करेंगे, हमारे सिर्फ यही मसाले होंगे जो बहुत अच्छा टेस्ट देने वाले हैं। और इसमें हमने डाल लिया हल्दी, और हल्दी डाल के इसमें पानी डाल के थोड़ा पतला कर लिया मसाले को। और इधर देखते हैं लौकी, और लौकी हो गई एकदम सॉफ्ट, ये देखिए हमको ऐसी ही चाहिए, एकदम पानी इसका ख़त्म हो गया और एकदम सॉफ्ट हो गई है लौकी हमारी। अब इसको हम उतार लेंगे, और ये दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। क्योंकि इसी कढ़ाई में हम तड़का लगाएंगे इसका,
और ये धो के मैंने पोंछ लिया है कढ़ाई दोबारा से। अब इसी को रख देते हैं चूल्हे पर। और अब डालेंगे इसमें देसी घी। अब थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि लौकी की सब्ज़ी में ना देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और यही है जो कि हमारी लौकी की सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ाता है, घी इसमें। घी हो गया गरम, इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ा सरसों दाने और थोड़ा हींग। और अब इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं भी डालोगे तो भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैं आज प्याज डाल रही हूँ इसमें। इस प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे ब्राउन होने तक। ये देखिए ब्राउन हो गया है प्याज हमारा। अब इसमें डालेंगे ये मसाले जो कि हमने तैयार करके रखे हैं। और इसको थोड़ा चलाएंगे। ये मसाले हमारे पकने लग गए, देखिए कितने अच्छे से, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये देखिए कितना अच्छी तरह से घी छोड़ दिया मसालों ने। तो ग्रेवी हमारी पक गई है। अब इसमें डाल लेते हैं ये लौकी, हमारी दो अधकची लौकी है, ये डालेंगे इसमें। तो ये वाली सब्जी मेरी दादी बहुत बनाया करती, क्योंकि पहले ना गांव में चूल्हे हारे ये बहुत यूज करते थे, और हर घर में चूल्हे में हारे में आग मिलती थी। तो उस आग में काम करते करते ना लौकी और टमाटर को कट करके रख देती पतीले में डाल के, और तब तक वो अधपकी हो जाती, उसके बाद ये तड़का तैयार करके उसमें तड़का मार लेते। इतनी टेस्टी सब्जी बनती थी कि बस पूछिए मत। आज मेरे को उसी की याद आई और मैंने सोचा कि चलो आज मैं यही सब्जी सबके साथ शेयर करती हूँ। तो सभी लोग ये सब्जी बनाइए, खाइए और खिलाइए, और मुझे बताइए कि ये सब्जी आपको कैसी लगेगी। बहुत टेस्टी लगने वाली है ये सब्जी। और इसमें ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे ये कस्तूरी मेथी, तो ये चार चांद लग जाएगा इस सब्जी में। तो देखते ही देखते देखिए हमारी सब्जी बन गई है। और लौकी की सब्जी तो वैसे भी बहुत जल्दी बन जाती है, तो आप एक बार ज़रूर बनाएं, चाहे गैस पे बनाएं चूल्हे पे बनाएं, लेकिन ये वाली जो मेरा प्रोसेसर है एक बार ज़रूर यूज़ करें। ये देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इस सब्जी को चूल्हे से उतार लिया है, और इसका कलर देख के ही आपको लग रहा होगा कि ये सब्जी कैसी बनी होगी। तो सही में ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी है, एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। तो मेरी वीडियो अगर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रेक के बाद। बाय बाय दोस्तों।